मुद्दा दरअसल शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करना। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। पकड़ा एमसीडी के अधिकारियों को, पूछताछ हुई बीजेपी के नेताओं से। 5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का टैक्स घटा के आपने छूट दी उनको। मैं पूछना चाहता हूं 5 लाख करोड़ में कितना बीजेपी को कमीशन मिला? कि बहुत बड़ा छापा पड़ गया है, सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई। उसकी असलियत तो जानो, समझो तो। सबसे लोकप्रिय मॉडल है शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उसको बदनाम करो। दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली के टीचर्स से, दिल्ली की शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों के मन में? आज सुबह मनीष सिसोदिया जी ने, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने, सीबीआई छापे के बारे में और किस तरह से कई जगहों पर पूरे देश में सीबीआई के छापे मारे गए, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया। एक बात साबित हो गई कि सीबीआई के इतने बड़े छापेमारी के बाद 31 स्थान की, 22 स्थान की, 25 स्थान लंबे चौड़े छापेमारी की बाद भी, जिसका घंटों तक प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा छापा पड़ गया है, सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई, सरकार अब तक कुछ नहीं बता पाई, मोदी जी की सरकार कुछ नहीं बता पाई कि क्या निकला इन छापों में, उन्हें क्या मिल गया, कहां से करोड़ों की बरामदगी हो गई, कहां से सोना मिल गया, कुछ उनको पता नहीं चल पाया। दूसरी बात, एक्साइज पॉलिसी को लेके एक एक चीज करके साफ तस्वीर सामने रखी गई कि उसमें दूर दूर तक कहीं कोई हेरा फेरी नहीं की गई, लेकिन वही रटाया रटाया बयान भाजपा के लोग बार बार बोल रहे हैं। एक ही रटा रटाया बयान, 144 करोड़ की माफी, 30 करोड़ की माफी। अरे उसकी असलियत तो जानो, समझो तो। आपको समझना ही नहीं है, क्योंकि जो हमने बार बार कहा वही फिर दोहरा रहा हूं कि मुद्दा शराब नहीं है। मुद्दा अगर शराब नीति होती तो सबसे बड़ा छापा तो पड़ना चाहिए था गुजरात में, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है, छापे तो वहां पड़ने चाहिए थे ईडी और सीबीआई के। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, मुद्दा है दिल्ली जीते पंजाब जीते अब गुजरात कैसे पहुंच गए, मुद्दा है जो बात दिल्ली में करने की कहते हैं और करके दिखाते हैं केजरीवाल, वही योजनाएं गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं और वही फ्री की बिजली, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य की व्यवस्था गुजरात में कैसे देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। और इसके कारण से उनके दो जो सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उसको बदनाम करो। बदनाम करने के लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालो, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी करो। और कल मैं भाजपाइयों की बौखलाहट देख रहा था, सारे के सारे भाजपा के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक हैरान थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का पूरा मामला, न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति, कैसे ये फोटो छप गई? अरे न्यूयॉर्क टाइम्स को तो छापना ही नहीं चाहिए था। और जानते क्या कह रहे थे टीवी चैनल पे,
कह रहे ये न्यूयॉर्क टाइम्स तो जो है वो देश के खिलाफ खबरें लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स तो ऐसा अखबार है जिस जो भारत के खिलाफ कुछ लिखता ही नहीं। तो मुझे एक खबर मिल गई इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी राइज इन इंडिया। ये किस में छपा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कब, 2013 में। और 2019 में इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आर्टिकल लिखते हैं और उनके ट्रॉल, उनकी आईटी सेल की आर्मी, आपको याद होगा ये फर्जी फोटो चलाई थी उन्होंने, एक फर्जी फोटो चलाई कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन छापा कि नहीं नहीं साहब, हमने मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा उनकी आर्मी चला रही है, आईटी सेल की फौज चला रही है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अगर खबर ना लिखे तो आप झूठी खबर फोटो एडिट करके अखबार में एक फेक खबर बना के उसको चलवाते हैं अपनी ट्रोल आर्मी से, और उसको कहते हैं कि देखिए देखिए मोदी जी की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है, और असली फोटो जो मनीष सिसोदिया की छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की असली चर्चा जो न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे आपके लोग। इतनी नफरत क्यों है, दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली के टीचर्स से, दिल्ली की शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों के मन में, मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी खबर छपवाने के लिए लालायित रहते हो, और 2013 में एक खबर छपी भी है मोदी जी के बारे में जिसको आप बता रहे थे कि वो हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है, उसको आप मनीष सिसोदिया की खबर पे छपने पे नहीं मानते। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है इस तरह की सीबीआई से, ईडी से, बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी रुक जाएगी क्या, अरविंद केजरीवाल जी रुक जाएंगे क्या, उनका भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का सपना और मिशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकने वाला है मोदी जी, और आपने तय कर दिया ये लड़ाई छेड़कर, आपने तय कर दिया ये जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन, तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल, 2024 की लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और अब आपके साथ कांग्रेस भी शामिल हो गई, वो भी आपके साथ खड़ी हो गई है। अब एक एक करके मैं हमारे देश के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो सरकार जो बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराती है, जो माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा कराती है, जो निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य देती है, जो बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 2x 3x पेंशन देती है, वो बेवड़ी सरकार है। ध्यान से सुनिएगा, शराब बेचकर किस राज्य में कितना राजस्व आता है, कितने धन की प्राप्ति होती है, उसका मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं, और आप अंदाजा लगाइए कि बेवड़ी सरकार कौन है। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कितना राजस्व आता है शराब बेचकर,
21.8%। दूसरी बेवड़ी सरकार कर्नाटक की सरकार, कितना राजस्व आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर? 20.6%। तीसरी बेवड़ी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार, कितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश में? 19.9% शराब बेच के। बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। सारे भाजपा शासित राज्यों में दारू पिला पिला के 22% 20% 19% रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो और बता रहे हो कि ये बेवड़ी है। खोज की जाए क्या कितने बेवड़े घूमते हैं भाजपा में, कौन कितने बजे दारू पीना शुरू करता है और कब खत्म करता है? चर्चा करोगे इसके ऊपर? बताइए आप, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 22% राजस्व शराब बेच के कैसे पैदा करती है? बताइए मध्य प्रदेश की सरकार 20% 21% रेवेन्यू कैसे पैदा करती है? कर्नाटक की सरकार कैसे पैदा करती है 21% रेवेन्यू? और भी तमाम राज्यों के दिए हुए हैं। तेलंगाना में है 15%, आंध्र प्रदेश में है 11%, राजस्थान में है 14%, तमिलनाडु में है 5.8%, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की खट्टर की सरकार, कितना रेवेन्यू आता है 13.7%, 14%। यह हरियाणा की खट्टर की बेवड़ी सरकार। आप टीवी पे बैठ के, चैनल पे बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोले जा रहे हैं। 144 करोड़ माफ किया तो मनीष सिसोदिया को कितना मिला और इनको कितना मिला? अरे कुछ अता पता है? ये साउथ एमसीडी का अकेले में पढ़ रहा हूं और पूरे एमसीडी का मिला के लोगे तो कोरोना के समय में करीब करीब टोल का 85 करोड़ रुपए माफ किया एमसीडी ने, 85 करोड़ रुपए। एक भी ईडी एक भी सीबीआई गई एमसीडी के पास, पकड़ा एमसीडी के अधिकारियों को, पूछताछ हुई बीजेपी के नेताओं से। टोल वालों ने कहा भाई कोरोना के समय में लोग निकले नहीं, हमारा माफ कीजिए लाइसेंस फीस। 85 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया। फिर आउटडोर एडवर्टीजमेंट के लोग वो गए एमसीडी के पास, उन्होंने कहा अरे भैया हमारा तो जो विज्ञापन लगा था उसको लोग देख ही नहीं पाए क्योंकि कोरोना लगा हुआ था, लोग निकले नहीं घर से। तो कितना माफ किया मालूम है? 100 करोड़ रुपए। कितना हो गया? 185 करोड़ रुपए। इसी तरीके से रेलवे ने माफ किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने माफ किया है, कर्नाटक की सरकार ने माफ किया है, हरियाणा की सरकार ने माफ किया है। ये सारे डिटेल अभी आपको दे देता हूं, चलाइए दिखाइए अपने चैनल पे। कुछ भी बोले जा रहे हैं। 9,500 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस से 144 करोड़ रुपए माफ किया गया, लगभग 1.5%। तो वो महाभ्रष्टाचार हो गया, वो भी कोरोना के कारण, क्योंकि जिन लोगों को लाइसेंस मिला था उन्होंने कहा भाई कोरोना में हमारी दुकानें बंद रही, सबको राहत मिल रही, हमें भी लाइसेंस फीस माफ कर दीजिए। तो कह रहे भ्रष्टाचार हो गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। और 785 करोड़ रुपए के ठेके से, टोल के ठेके से 85 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, लगभग 10%। तो वहां कोई पूछताछ नहीं, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 5,00,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का टैक्स घटा के आपने छूट दी उनको। मैं पूछना चाहता हूं 5,00,000 करोड़ में कितना बीजेपी को कमीशन मिला? 10,00,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया, कितना कमीशन मिला बीजेपी? बताइए देश को, कराइए ईडी सीबीआई की जांच। करें 30 करोड़ रुपए
लाइसेंस फीस वापस करके भ्रष्टाचार कर दिया। अरे भाई, एयरपोर्ट का एक ठेका निकला 235 करोड़ रुपए का। उस एयरपोर्ट का ठेका देने में शर्त थी कि अगर जीएमआर लाइसेंस की परमिशन देगा, अनुमति देगा, तब वहां पर वो कंपनी अपना काम कर पाएगी, और नहीं अगर अनुमति देगा तो काम नहीं कर पाएगी, उसका पैसा वापस किया जाएगा। यह टेंडर की शर्त में लिखा हुआ है। 30 करोड़ रुपए अब उस कंपनी को जीएमआर ने परमिशन नहीं दिया, एक दूसरी कंपनी को परमिशन दिया। जिस कंपनी को परमिशन दिया जीएमआर ने, वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे, जब परमिशन दिया तो उसने पूरा का पूरा पैसा 235 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दे दिया। एक भी रुपए का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। तो जिसको ठेका मिला ही नहीं, उसका पैसा वापस कर दिया गया, क्योंकि वो तो शर्त में लिखा था। कहां भ्रष्टाचार हो गया भैया, बताइए इसमें कौन सा भ्रष्टाचार हो गया? इस प्रकार से झूठी बातें करके, इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुद्दा दरअसल शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करना। मुद्दा है किसी भी प्रकार से देश का ध्यान बटाना। लेकिन कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, केजरीवाल अब आपसे रुकेंगे नहीं, उनका शिक्षा का मॉडल अब आपसे रुकेगा नहीं, उनके स्वास्थ्य का मॉडल अब आपसे रुकेगा नहीं, जो भी आपको प्रयास करना है करो। इस प्रकार के कामों से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और सच्चाई के साथ मैदान में खड़े रहेंगे। आपने ऐसे बहुत सारे प्रयास पहले भी किए हैं, हताशा हाथ लगी है, तब जब केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा था, कुछ नहीं निकला, तब जब मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा था, कुछ नहीं निकला, तब जब 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच कराई थी, कुछ नहीं निकला, 40 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला और बाद में कोर्ट से फटकार लगी कई मामलों में, कुछ नहीं निकला, तब जब आप एक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की जांच कराते हैं, 3 साल के बाद कह देते हैं सत्येंद्र जैन के पास कुछ नहीं निकला। ऐसे ही हताश हो गए इसमें भी, परेशान मत हो, बाकी आप ड्रामे करना है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हम इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते और हम सच के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं, ये उन लोगों को तय करने दीजिए। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे कार्रवाई होती है तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, जब मनीष सिसोदिया केजरीवाल पे और सत्येंद्र जैन पे और आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई होती है तो सदुपयोग होता है। तो इसका जवाब कांग्रेस से लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। संजय जी, गुजरात जा रहे हैं सीएमओ डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम का जाना गुजरात में किस तरह का संकेत देता है? नहीं, डिप्टी सीएम कई राज्यों में प्रचार के लिए जाते हैं पार्टी की तरफ से, उत्तर प्रदेश भी गए थे, पंजाब भी गए थे, उत्तराखंड भी गए थे, अभी हिमाचल भी गए हैं, गुजरात भी पहले जा चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी के साथ वो जा रहे हैं। हमने आपसे कहा ना कि बहादुरी से हम सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे, इनकी बंदर घुड़कियों से डरने और रुकने वाले लोग नहीं है हम लोग, ऐसे बहुत सारे प्रयास ये कर चुके हैं। और इस तरह से ड्रामे कर करके एक्सपोज हो रही है भारतीय जनता पार्टी, एक्सपोज हो रही है मोदी जी की सरकार। इनके पास उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ नहीं है जो इनसे जुड़ जाते हैं, जो बीजेपी में चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है,
50-50 करोड़ के विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, मंत्रियों का लालच देके, मंत्री पद का लालच देके सरकार बनाते हैं। भ्रष्टाचार के पुरोधा हैं ये लोग और ज्ञान दे रहे हैं हमें। हमने तो सारी बात खोल कर रख दी, पूछे ना सवाल उनसे। देखिए वो तो 24 में पता चलेगा, ना तो ये अनुराग ठाकुर तय करने वाले होते हैं ना मोदी जी तय करने वाले होते हैं, ये तो देश की जनता को तय करना है। हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कृत्यों से, मोदी जी ने अपनी घबराहट और बौखलाहट से ये साबित कर दिया है कि उनका विपक्षी नंबर एक कोई है हिंदुस्तान में तो वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए ऐसा है, कल भी अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरी पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है, इनकी बातों का जवाब दे रही है। हाँ ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी सारा काम छोड़ के, इस समय भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हमारी तो मान लीजिए 2 राज्यों की पार्टी है, इन्होंने सारा काम छोड़ दिया, बोले सारा मंत्रालय बंद करो, देश की सरकार बंद कर दो, सारे राज्य की सरकार बंद करो, बस खाली केजरीवाल को टारगेट करो। तो लगे हुए काम पे, मेहनत करने दीजिए। तो कौन क्या बोलता है उसका बहुत महत्व नहीं है, पूरे देश को दिख रहा है साफ साफ कि मोदी जी ने खुद मान लिया, बीजेपी ने खुद मान लिया कि उनका अगर कोई विपक्षी नंबर वन है तो वह अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खुद से तय कर दिया। देखिए ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और अनुराग ठाकुर को शायद सिसोदिया वंश का इतिहास नहीं पता, महाराज राणा प्रताप जी के वंशज हैं, राणा सांगा के वंशज हैं, महाराणा सांगा के वंशज हैं मनीष सिसोदिया, और आप महाराणा प्रताप जी के वंशज, राणा सांगा जी के वंशज मनीष सिसोदिया का टाइटल हटा दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं, उनके वंश के लोग आपको माफ नहीं करेंगे अनुराग ठाकुर जी। किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए किसी का नाम बदलने की, अभी इतने ताकतवर नहीं हुए आप लोग, पहले सिसोदिया वंश का इतिहास पढ़िए तब नाम बदलने का साहस कीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सरकार है, 1 राज्य में हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो गई है और 2% 2 विधायक वहां भी जीत के आए हैं, 6% से ज्यादा वोट मिला है गोवा में, गुजरात और हिमाचल में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है और 10 सांसद हमारे राज्यसभा में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के लोग जिस तरह से महंगाई से, गरीबी से, भूखमरी से, अशिक्षा से, स्वास्थ्य की बदहाली से, केंद्र का बजट 2% स्वास्थ्य पे है, 2% शिक्षा पे है, ये असलियत है इनकी, तो सारे लोग जिनकी कमर टूट गई है महंगाई से, वो किसान जिनकी आय दोगुना करने की बात कह के उनका वोट हासिल किया गया था, वो बेरोजगार जिसको 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके उनका वोट लिया गया था, वो व्यापारी
जिसको टैक्स में राहत देकर उसके व्यापार को गति देने की बात कही गई थी, वो माताएं बहनें जिनको महंगाई से छूट देकर उनके चूल्हे को अच्छे ढंग से जलाने की बात कही गई थी, वो सारे आज दुखी हैं। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, काला धन 2 गुना 3 गुना बढ़ गया स्विट्जरलैंड की बैंक में, वो सब खड़े होंगे और वो सब केजरीवाल जी के साथ आएंगे और भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाएंगे। सर एक सर, FIR में काफी नाम आए हैं, अरोड़ा की बात करें, विजय नायर की बात करें, उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं मुख्यमंत्री के साथ, आपके साथ भी, आपकी तस्वीरें बहुत सामने आई। आने दीजिए, जांच करने दीजिए, पूरी जांच करने दीजिए, सारी जांच होने दीजिए। आखिर में क्या संबंध है उनसे अगर आप जाएंगे? मैं कह रहा हूँ आने दीजिए ना, सारी जांच होने दीजिए, हमने तो स्वागत कर दिया है सीबीआई की जांच का, करें जांच।